जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 2020 के इसके प्रारूप की। तो 2020 में इसके प्रारूप में क्या अनुमोदन किया गया है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में वो भी समझेंगे, प्लस समझेंगे कि फसल बीमा योजना एक्चुअली में क्या है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है कौन सी फसल पर क्या दी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोपाला और आप देख रहे हैं गोपाला स्टडी विद मस्ती। दोस्तों, ये जो मैंने चैनल बनाया है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। चलिए हम बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसका 2020 प्रारूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि PMFBY क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो अप्रैल 2016 में भारत सरकार ने पुरानी बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वापस लेते हुए एक नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ किया था। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि 2016 में ये योजना चालू या शुरू की गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इस बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ की फसलों पर 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसमर कौन सी फसल पर कितना प्रीमियम देना होता है। खरीफ की फसलों पर 2% और रबी की जो फसल होती है उस पर 1.5% प्रीमियम देना होता है। अब बात करते हैं वार्षिक नकदी और बागवान फसलों की। तो उनके लिए जो प्रीमियम डिसाइड किया गया है वो 5% प्रीमियम देना होता है। आगे देखते हैं, जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है उनके लिए यह योजना अनिवार्य है और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए यह वैकल्पिक है। तो जो किसान, जैसे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड जो लोग चलाते हैं या KCC वगैरह जो होती है, वो जो किसान है उनके लिए यह योजना कंपलसरी है और जो जिन लोगों ने बैंक से कर्ज नहीं लिया है वो किसान इससे वो अगर बीमा नहीं कराना चाहते तो वो बच भी सकते हैं। चलिए अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य जो है, अप्रत्याशित कारणों से फसल की क्षति के शिकार किसानों को आर्थिक सहारा देना। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है किसानों की आय को बनाए रखना जिससे कि वे खेती करना नहीं छोड़ें। नेक्स्ट है किसानों को अभिनव एवं आधुनिक कृषि प्रचलन अपनाने के लिए उत्साहित करना। एक और अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना जिससे खाद्य सुरक्षा, फसलों की विविधता, उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और उत्पादन के जोखिमों से किसान सुरक्षित हो सकें। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव में आती है या जो इसके उद्देश्य फसल बीमा योजना के हैं वो होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी इसमें हाल ही में क्या किस चीज़ की ज़रूरत बताइए। यहाँ पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक में इस योजना के तहत बीमे के दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की जरूरत पर जोर दिया है। तो ये राज्यों द्वारा जो प्रीमियम सब्सिडी होती है वो जारी करने के लिए जोर दिया है, जो कि आगे चल के राज्य इस पर विचार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बीमा योजना थी और 2020 में इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया वो भी इसमें आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो दोस्तों, आपको ये पूरा टॉपिक देख के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं और आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।